नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 अगस्त सोमवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना रोगियों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिले में सोमवार सुबह रिपोर्ट में 23 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। पीएमओ डॉक्टर के एस कामरा ने बताया कि गुरु नानक बस्ती, विनोबा बस्ती, रामदेव कॉलोनी गली नंबर 7, एफ ब्लॉक जवाहर नगर सेक्टर 6, सेतिया कॉलोनी, गुरु नानक चौक, पुरानी बादी वार्ड नंबर 16, गांव सियागा वाली, रामदेव कॉलोनी गली नंबर 10, गांव 19 चट, सेतिया फार्म बसंती चौक, जवाहर नगर सेक्टर 7, दाबडा कॉलोनी, गांव 3 पीएस रायसिया नगर, गांव 31 आरबी पदमपुर से 1-1, अगस्त्य नगर, गजानंद विहार, रिद्धि सिद्धि प्रथम लाल चौक, आनंद विहार से 2-2 कोरोना रोगी सामने आए हैं। अब बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहनों का इंश्योरेंस नहीं हो सकेगा। इसके लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास अधिकरण ने आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जारी किया गया है। यह फैसला पूरे देश में लागू होगा। इसके बाद अब वाहन मालिक बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के इंश्योरेंस नहीं करवा सकेंगे। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में भादवी छठ के जागरण में आए श्रद्धालु ने चाकू से खुद का गला काट लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि कोतवाली चबूतरे के पास स्थित देवनारायण देवरेद में यह घटना हुई। पुलिस ने भोपा और भक्तों की मदद से श्रद्धालु को देवगढ़ सीएचसी में ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि श्रद्धालु ने अपना गला क्यों काटा, इसकी जाँच चल रही है। जैसलमेर जिले के काठोड़ा में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका के पति जेठानी व एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पति अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, इसलिए उसने भाभी और दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। एसपी अजय सिंह ने मामले को सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 20 अगस्त को सागर पुलिस थाना में यह मामला दर्ज हुआ था। अलवर जिले के एनबी थाना क्षेत्र के कैमाला में एक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार कैमाला में एक मकान की छत गिर गई। छत गिरने से पिता और 3 बच्चों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि इन सभी को सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अजमेर जिले के केकड़ी थाना क्षेत्र में लूट की बड़ी घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार आईटीआई कॉलेज के सामने आलू प्याज के व्यापारी के साथ 4.5 लाख रुपए की लूट हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि व्यापारी सरवार से यह राशि लेकर जा रहा था, तभी बिना नंबर के स्विफ्ट कार में आई लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। चूरू जिले के रतनगढ़ में पुलिस ने ताश के पत्तों पर जुआ खेलते 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिसके बाद परिहारा में रतनलाल सुराना के घर पर छापा मारा, तो वहां से 9 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 21,750 रुपए व ताश के पत्ते बरामद किए। जयपुर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में फेसबुक पर दोस्ती कर बर्थडे के बहाने बुलाई युवती को बुलाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने पिता ने थाने में अंशुल नामक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर जिले के उद्योग नगर थाना पुलिस ने एसपी डॉक्टर अमनदीप कपूर के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित 2 लड़के व 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोवर्धन रोड पर गुनसारा चौकी पर नाकाबंदी के दौरान इन्हें पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि इनके कब्जे से 2 अवैध कट्टे व स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद किया गया है। दोनों शातिर हंसराज मीना के दोस्त हैं। पकड़ी गई एक युवती हंसराज की प्रेमिका बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि हंसराज सेवर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। पकड़े गए युवकों की पहचान मुकेश व अजय निवासी बगराना जयपुर के रूप में हुई है। यह सभी किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। जयपुर जिले के खोर नागोरियन थाना क्षेत्र में युवक युवती को एलडीसी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित संजू कुमार की शिकायत पर थाने में सियाराम और विनोद गर्ग नामक युवकों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने रिपोर्ट दी है कि इन दोनों ने हरियाणा के करू विश्वविद्यालय में
एलडीसी के पद पर नौकरी का झांसा देकर संजू कुमार से 14 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.